हम लेकर आएंगे वंदे मातरम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रवि आरक्षण लागू करो, बाबा साहब का संविधान लागू करो। आज कहाँ पर आए हैं आप लोग? आरक्षण संघर्ष मोर्चा के द्वारा आज इस अलीगढ़ का हिंदुवादी युवा एक ज्ञापन देने के लिए जिला प्रशासन के माध्यम से भारत सरकार प्रधानमंत्री महोदय के पास पहुंचाने के लिए आया है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जो अभी तक SC ST OBC के हिंदू युवाओं के जो अधिकारों पर आरक्षण पर जो डाका डाला जा रहा था, अब उसको इस अलीगढ़ का युवा कतई बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। अब तक इस देश को तोड़ने का काम किया गया इस अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के द्वारा, लेकिन माइनॉरिटी के नाम पर इस विश्वविद्यालय को बना करके यदि आप चाहते हैं इस देश को दोबारा से बांटा जाए, तो इस देश का युवा, हिंदू युवा, किसी कीमत पर जो है आपको आपके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देगा। आज हिंदुवादी युवा हम लोग ये पूछने के लिए आए हैं, यदि इस AMU को नींव रखने वाले सर सैयद यदि वास्तव में देशभक्त थे, तो देश की आज़ादी के बाद, देश के बंटवारे के बाद उनका पूरा परिवार पाकिस्तान क्यों चला गया? क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बेहतर, अच्छी और सस्ती सुलभ शिक्षा पाने का अधिकार इस देश के केवल जो है मुस्लिम छात्रों को, हिंदुओं को नहीं? आज हिंदू युवा अपने अधिकारों को लेने के लिए गांधी जी के आदर्शों पर चलकर उनको सचेत करने के लिए आया है कि हम गांधी जी को मानते हैं, लेकिन भगत सिंह को भी हम लोग भूलने वाले लोग नहीं है। संसद में भी ये मुद्दा ले जाएंगे सांसद महोदय के? निश्चित रूप से, अभी जो लोकसभा सत्र चालू हुआ, 3 दिन के लिए स्थगित हो गया। हम लोग यहाँ से इस लड़ाई को अलीगढ़ से लेकर के दिल्ली तक, जंतर मंतर तक हम लोग जाएंगे। प्रणाम चाहे कुछ भी हो, इस अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की धरती पर जो समुदाय, विशेषकर मैं कहूँ कि केवल मुस्लिमों का जो अड्डा इस देश को तोड़ने का काम कर रहा है, किसी कीमत पर हम उनके मंसूबों में उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। सांसद महोदय भी यहाँ कोर्ट मेंबर के सदस्य हैं, कई भाजपा के लोग कोर्ट मेंबर के सदस्य हैं, उनके माध्यम से भी कोई मतलब मैसेज देना चाहेंगे, उन लोगों को बुलाएंगे आप? निश्चित रूप से संसद में अलीगढ़ के माननीय सांसद महोदय के द्वारा इस आवाज को निरंतर उठाया जा रहा है। भाजपा के तमाम सारे जनप्रतिनिधि, जो राष्ट्र में आस्था और विश्वास रखता है, वो प्रत्येक व्यक्ति इस बात को डिमांड कर रहा है कि अलीगढ़ में SC ST OBC छात्रों को हिंदू आरक्षण निश्चित रूप से मिलना चाहिए। बहन जी, जैसा कि आज AMU पर, AMU में जो आरक्षण है उसको लेकर के कई हिंदूवादी छात्र संगठन इकट्ठा हो रहे हैं, तो AMU में आरक्षण को लेकर के आप क्या कहेंगे? एक ऐसा संस्थान जिस संस्थान की नींव में पूरे भारतवासियों के टैक्स का पैसा लगा हो, एक ऐसा संस्थान जो संस्थान राष्ट्रीय स्तर से उठकर के अंतर्राष्ट्रीय पहचान केवल यहाँ की जनता के ईमानदारी के पैसे से बनकर खड़ा होता है, एक हिंदू राजा की जमीन पर बसा हुआ एक ऐसा संस्थान जिसकी पहचान हिंदुओं की दी हुई है, तो हिंदुओं के साथ ही दुर्व्यवहार क्यों? जब इस देश में आपको ये सुविधा दी जा रही है, हर जगह दी जा रही है, तो AMU ही क्यों वंचित रह जाए? आरक्षण की सुविधा जब हमारे सारे संस्थानों में दी जा रही है, हमारे उन भाई बहनों को दी जा रही है जो कि इसको डिजर्व करते हैं, तो उस सुविधा को AMU में लागू क्यों नहीं किया जा रहा? मैं पूर्णतः समर्थन करती हूँ, और AMU जैसे संस्थान के जो हेड्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इनका इंतजामिया है प्रशासनिक, उनसे भी मैं आह्वान करना चाहती हूँ कि यदि आप राष्ट्रीय स्तर का एक संदेश देना चाहते हैं, तो शिक्षा सबके लिए होनी चाहिए, और जो संवैधानिक नियम बने हुए हैं उन नियमों का पालन आपके यहाँ भी होना चाहिए, और इसके तहत आप जल्दी से जल्दी जो है आरक्षण की प्रक्रिया को अपने यहाँ भी लागू करें, ताकि मेरे हिंदू भाई बहनों को भी वो सभी सुख सुविधाएँ मिल सके जो कि और यूनिवर्सिटियों में या शिक्षण संस्थान में उन्हें मिल रही हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो देश के सरकार के द्वारा दिए गए रुपयों से संचालित है, तो इसमें सरकारी आरक्षण नीति, संवैधानिक आरक्षण लागू क्यों नहीं? आज संविधान दिवस के मौके पर, आज 26 नवंबर है, संविधान आज के दिन बनकर तैयार हुआ था, और वही संविधान इसमें लागू नहीं है। देश के प्रत्येक संस्थान में जब संविधान लागू है, तो ये लोग संविधान को क्यों नहीं मान रहे? संविधान का विरोध करना अर्थात देश का विरोध करना है, देशद्रोह करना है, तो देशद्रोह का अपराध ये लोग कर रहे हैं। हम लोग ये मांग करने आए हैं कि संविधान जब देश के प्रत्येक संस्थान में, प्रत्येक कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लागू है, तो ये क्या देश से बाहर है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय? इस अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में संविधान की तर्ज पर वो सारी चीजें लागू होनी चाहिए जो अन्य देश के सभी विश्वविद्यालय। आज कहाँ पहुंचे थे आप? आज हम लोग AMU सर्किल पर पहुंचे हैं, सैकड़ों की संख्या में हम लोग यहाँ AMU सर्किल पर ज्ञापन दिया है। क्या ये प्रदर्शन तो अब आज से मांग शुरू की है, जब तक हमारी जो मांग है इस देश का
एक एक भारतीय पूछता है कि इसमें इस क्या ये एएमयू देश से बाहर है, देश का संस्थान नहीं है, इसमें संवैधानिक आरक्षण लागू क्या नहीं है। संजू बजाज, देखिए ईसी कमेटी अन्य तरह की कमेटी हर विश्वविद्यालय में होती है, ईसी पावर में नहीं है कोई। ईसी वही मानेगा जो यूजीसी या केंद्र सरकार ऊपर से निर्देश देगी। अलीगढ़ सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है क्लियरली कि ये मुद्दा अल्पसंख्यक वाला तीन जजों की बेंच को जो है ट्रांसफर कर दिया है, पुराना वाला जो उन्होंने रिवोक करके। अब सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना है कि ये अल्पसंख्यक है या नहीं। ये तथ्य अपने कैंपस यूनिवर्सिटी वाले जो अपने तथ्य रखेंगे कि हिंदुओं ने जमीन नहीं दी, हिंदुओं के पैसे से कभी विश्वविद्यालय संचालित नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सभी जानते हैं इस विश्वविद्यालय के लिए तमाम सारे हिंदुओं ने जो है जमीन दी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने भी जमीन दी थी, जो हमारे यहाँ के राजा थे जिनके नाम पर यहाँ विश्वविद्यालय बना हुआ है। एएमयू जो हाई स्कूल बना हुआ है सिटी हाई स्कूल तहसील के बगल में देखेंगे तो वो पूरा का पूरा जो है स्कूल जो है हिंदू राजा महेंद्र प्रताप सिंह की जमीन पर बना हुआ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।